नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। बस मेरे वीडियोस को स्टार्ट से देखें यानी कि क्रमानुसार किसी भी चैप्टर का वीडियो नंबर पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से और हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, अपने नोट्स बनाएं और कोई भी डिफिकल्टी हो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। देखिए ये हमने जो यूनिट 4 शुरू किया था सर्कल्स एंड कॉनिक्स चैप्टर उसका ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन करेंगे किसी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की कैसे निकालेंगे। किसी भी सर्कल के ऊपर स्थित यानी उसकी सर्कमफेरेंस पर परिधि पर कोई पॉइंट उस पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे पहली चीज। दूसरी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है सर्कल से बाहर और उस पॉइंट से सर्कल पर खींचते हैं टेंजेंट उसकी लेंथ क्या होगी। ये दो प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। और आपको बता दूं अभी जो लास्ट पेपर आया था 2022 उसमें क्वेश्चन ऐसा आया हुआ भी है कि सर्कल दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x - 2y - 16 = 0 और उसके बाहर कोई पॉइंट है 6 - 2। इस पॉइंट से इस सर्कल पर जो टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट की लाइन लेंथ कितनी होगी, उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, आंसर दे रखा मैंने 8। ये मैंने सॉल्व कर रखा है। ये आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2022 उसमें मिल जाएंगे। या आप मेरे अगर स्टूडेंट हैं टीचमेंट ऐप के थ्रू पढ़ने वालों में तो उस केस में ये मैंने एक एग्जाम मेटल की क्लास अलग से बनाई हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सवाल करना कोई कठिन नहीं है, सवाल करना बहुत आसान है, बेसिक समझना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कुछ कि अपन कैसे बेसिकली क्वेश्चन निकालते हैं टेंजेंट की किसी पॉइंट पर और नॉर्मल की और साथ में कैसे अपन स्पर्श रेखा की लंबाई याद करते हैं। क्वेश्चन होने में कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते करना है। तो आप समझ लीजिए पहले बातें कुछ। देखिए ये कोई सर्कल है और इस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये पॉइंट है कोई x1 y1 और ये इस पे टेंजेंट है स्पर्श रेखा है। सर्कल जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म और एक जनरल फॉर्म। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करता हूँ जिसमें ये सर्कल है x² + y² = a². तो ये जो टेंजेंट है इस x1 y1 पॉइंट, नेचुरली ये x1 y1 पॉइंट जो होगा सर्कल पर ही है और इस पर टेंजेंट है। इसकी जो इक्वेशन होगी आप याद कर लें फॉर्मूला x x1 + y y1 = a². इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जैसे क्वेश्चन आता है ये वाला देखिए, ये मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं कि x² + y² = 169 इसके पॉइंट -5, 12 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन पहले का पहला, क्वेश्चन पहले का पहला, ये जो सर्कल है ना जो हमने कहा x² + y² = a², ये आपको दे रखा है यहाँ पे x² + y² = 169 x² + y² = 169 को मैं 13 का स्क्वायर कह सकता हूँ। ठीक है,
और इस सर्कल पर एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट से -5, 12। आप देख सकते हो चेक करके, एक्स को रखो -5, वाई को रखो 12, आती सेटिस्फाई हो रहा है। -5 के स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 से 25 175 होते हैं। -5, 12 इसके ऊपर को पॉइंट है, यानी हम जो कह रहे हैं वो x1 y1, तो x1 y1 जो है वो -5, 12 है। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी इस सर्कल के इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट एट -5, 12, टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द गिवन सर्कल, यानी जो दिया गया वृत्त है ना उसके इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की समीकरण। ये फॉर्मूला रहा आपके पास x(x1 + y(y1) = a² फॉर्मूला है। अब तो फॉर्मूला याद रखिए, बस x(x1) कितना है -5, प्लस y(y1) कितना है 12, a² कितना है 13। ये -5x + 12y = 169, उसको उधर ले जाओ, 5x - 12y उधर ले गया +169 = 0, ये आंसर आ गया। तो देखिएगा 5x - 12y + 169 = 0, 5x - 12y + 169 = 0, सिंपल है बिल्कुल। ये मैंने क्वेश्चन पहले का पहला कर दिया। अब मान लो सर्कल जो है ये पॉइंट तो x1 y1 है, ये टेंजेंट है, लेकिन इस बार जो सर्कल है ये वाला सर्कल, ये x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। इस बार ये सर्कल है, तो इस बार जो टेंजेंट की क्वेश्चन होगी, अगर ये सर्कल है तो जो कि व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, तो इस बार इसकी जो क्वेश्चन होगी वो होगी x(x1 + y(y1) + g(x+x1) + f(y+y1) + c = 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद रखना आपको। अब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा करा देता हूं। इसमें आपको सर्कल दे रखा है x² + ये 2001 में आया हुआ है, x² + y² + 3y - 4 = 0 @(2 - 3), 2 - 3 पर। इसका मतलब ये जो x1 y1 है वो आपके 2 - 3 है, यानी x1 = 2 y1 = -3। अब देखो इसमें g क्या है, g क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का आधा, x का कोएफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं इसमें, x की कोई टर्म ही नहीं है। f क्या होता है, y के कोएफिशिएंट का आधा, 3 है y का कोएफिशिएंट तो 3/2 हो गया। c क्या होता है, कांस्टेंट जो कि -4 है, gfc आ गए। अब इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, हमने बताया आपको अभी अभी, x(x1 + y(y1) + g(x+x1) + f(y+y1) + c = 0, ये होती है x(x1) x * x1 कितना 2,
प्लस वाई वाई वन, वाई इंटू वाई वन कितना है माइनस तीन, प्लस जी कितना है जीरो इंटू एक्स प्लस एक्स वन तो एक्स प्लस दो, प्लस एफ कितना है तीन बटा दो इंटू वाई प्लस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस तीन तो वाई माइनस तीन, प्लस सी, सी कितना है माइनस चार बराबर जीरो। कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला याद करके आंसर निकल जाएगा। और मैं इस वीडियो में चाहूंगा आप समझाना ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपके लिए, लेकिन पहले सवाल करना सीख लें। तो 2x माइनस 3y ये तो जीरो ही है, प्लस जीरो प्लस 3y बटा दो, प्लस माइनस माइनस तीन दिया 9 बटा दो, प्लस माइनस माइनस चार बराबर जीरो। अपॉन टू आ रहा है ना, पूरी इक्वेशन को दो से गुणा कर दो, 4x माइनस 6y प्लस 3y माइनस 9 माइनस चार दूनी आठ बराबर जीरो, ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 3y तो माइनस 3y माइनस 17 बराबर जीरो, ये आंसर आ गया। ये आप चेक कर लो, मैंने आंसर दे रखा है इसका, देखिएगा 4x माइनस 3y माइनस 17 बराबर जीरो, आपको 4x माइनस 3y माइनस, देखिए। अच्छा, हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल भी निकालना है, नॉर्मल नॉर्मल यानी अभिलंब। देखिए टेंजेंट तो ये है और नॉर्मल होता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अगर ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो कहां से गुजरेगा, सर्कल के सेंटर से गुजरेगा डेफिनेटली, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल होगा तो सर्कल के सेंटर से गुजरेगा डेफिनेटली। और सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। मुझे चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन, मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पता है। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमने स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये जो 4x प्लस 3y माइनस 17 है इज इक्वल टू जीरो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। हमें चाहिए नॉर्मल की, नॉर्मल का जो स्लोप होता है ना वो टेंजेंट के स्लोप का माइनस वन अपन एक्स होता है। जैसे अगर मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप एम है तो नॉर्मल का माइनस वन अपन एम होगा। और आपको मैंने इसका तरीका बताया था जब मैंने पढ़ाया था, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को चेंज कर दीजिए और साइन बदल दीजिएगा। ये 4x है ना, इसको 3x कर दो, ये 3y है ना, इसको 4y कर दो, चार का गुणा एक्स नहीं करके वाई से, और तीन का गुणा वाई से नहीं करके एक्स से करके, और माइनस का प्लस कर दिया। ये नियम बताया मैंने आपको, प्लस कोई कांस्टेंट बराबर जीरो। अब ये कांस्टेंट निकालना पड़ेगा हमको, कैसे निकलेगा, ये जो नॉर्मल है ये सर्कल के सेंटर से गुजरता है ये हमको पता है, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, जी तो जीरो ही है, एफ है तीन बटा दो तो माइनस एफ हो जाएगा माइनस तीन बटा दो, ठीक है। ये अब ये जो नॉर्मल है ये इस के सेंटर से यानी कि इस पॉइंट से गुजरेगा जीरो माइनस थ्री बाय टू, तो जीरो माइनस थ्री बाय टू के ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो और माइनस थ्री बाय टू वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तीन इंटू जीरो प्लस वाई सॉरी प्लस फोर इंटू वाई की जगह माइनस थ्री बाय टू प्लस सी बराबर जीरो, तो जीरो हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस चार तीन बारह बटा दो छ प्लस सी बराबर जीरो, इसको सी इज इक्वल टू प्लस छ हो गया। अब ये यहाँ रख देंगे, ये सी की वैल्यू इसमें रख देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा तीन एक्स प्लस चार वाई प्लस छ
बराबर जीरो, ये लो ये आंसर आ गया किसका, नॉर्मल का। आसान है ना, टेंजेंट की इक्वेशन के बेस पे नॉर्मल की बन गई कांस्टेंट लगा के, और चूंकि नॉर्मल गुजरता है सेंटर से माइनस जी माइनस एफ से, एक्स वाई की जगह माइनस जी माइनस एफ लिख दिए, सी की वैल्यू आ गई तेरा, तो उसको अर्पण वापस सी की वैल्यू अप्रूव कर दिया, आंसर आ गया। ये देखिए मैंने आंसर दे रखा है आपसे, तीन एक्स प्लस चार वाई प्लस छह बराबर, तीन एक्स प्लस चार वाई प्लस छह बराबर जीरो। वैसे ही आप उस पर भी निकाल सकते थे इक्वेशन नॉर्मल की पहले वाले पार्ट के अंदर, पहले वाले पार्ट में भी निकाल सकते थे, इसमें भी निकाल सकते थे। अब क्योंकि मैंने जगह रखी नहीं इसके अंदर कोई, लेकिन ठीक है इतने समय कर देंगे, ये तो इतने समय हो जाएगा। देखिएगा नॉर्मल टेंजेंट क्या था, पांच एक्स माइनस बारह वाई प्लस एक सौ उनसत्तर बराबर जीरो। नॉर्मल में क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट बदल जाएंगे, तो पांच एक्स जगह बारह एक्स हो जाएगा, बारह वाई की जगह पांच वाई हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है ना बीच में प्लस हो जाएगा, और प्लस सी बराबर जीरो। अब सी निकालना है, अब यहां ये नॉर्मल है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जीरो जीरो। तो ये जो नॉर्मल है ये जीरो जीरो से पास होगा, यानी एक्स वाई को रखेंगे जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि सी बराबर जीरो आ गया। अब ये सी बराबर जीरो तेरा तुझको अर्पण कर दो, अच्छा यहाँ बराबर जीरो करना भूल गया मैं, बारह एक्स प्लस पांच में प्लस सी बराबर जीरो, नॉर्मल क्या हो जाएगी भाई, अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी, बारह एक्स प्लस पांच वाई बराबर जीरो, क्योंकि सी तो जीरो है। देखो मैंने इसका आंसर दे भी बताया, ये देखिए बारह एक्स प्लस पांच वाई बराबर जीरो, दिख रहा है बारह एक्स प्लस पांच वाई बराबर जीरो। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन सर्कल किसी पॉइंट पर निकालना हमने सीख लिया। ओके अब हम सीख लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट, देखिए ये सर्कल है चाहे ये सर्कल है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सर्कल है जिसका जो सेंटर है जीरो जीरो है, इसका जो सेंटर है वो माइनस जी माइनस एफ है, और ये इक्वेशन है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो भी कह सकता हूँ, और इसको हम एस कहते हैं, एस बराबर जीरो। और ये जो आप देख रहे हो सर्कल ये वाला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, और इस पूरे को हम एस कहते हैं, एस बराबर जीरो। यहाँ एस का मतलब ये है, सी भी साथ में, यह इसका मतलब ये है। अब हमारा प्रश्न क्या है, इस सर्कल के बाहर कोई, अच्छा इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ए, उसकी रेडियस क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, और इस पॉइंट से मुझे इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की लेंथ चाहिए। ये मैंने टेंजेंट खींची यहाँ छूती हुई, लेकिन लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर ये पॉइंट मान लो पी है तो लेंथ तो यहाँ से होगी ना पी ए, अच्छा कोई जरूर एक टेंजेंट और भी होती है ना,
सर्कल के बाहर स्थित किसी बिंदु से अपन दो टेंजेंट खींच सकते हैं। ये क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री में। और ये पी बी कह दो अगर मैं, तो पी से बी तक की दूरी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ही होती है। और ये आपको पता है पी ए और पी बी बराबर होते हैं। यहां की बात करूं, यहां पर भी देखिएगा ये कोई पी पॉइंट है बाहर से, और ये एक्स वन वाई वन है। ये चाहिए पी ए कहूं चाहे पी बी कहूं, बराबर ही होते हैं। और ये हमको पता करना है कितने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एस बराबर जीरो इस सर्कल की इक्वेशन है, और एस बराबर जीरो इस सर्कल की इक्वेशन है। अब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसका सूत्र है अंडर रूट एस वन। यहां भी वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर अंडर रूट एस वन, दोनों में सेम है, लेकिन एस वन की वैल्यूज अलग अलग है। इसमें एस वन क्या होगा, एस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप एक्स को लिख दें एक्स वन, क्योंकि आपने इस पॉइंट से टेंजेंट खींची, एक्स को लिखेंगे एक्स वन, वाई को लिखेंगे वाई वन। एस वन कैसे निकलेगा, ये एस था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस वन हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक्स वन वाई वन ये आपको सवाल में पता है, इसे रखेंगे तो एस वन आ जाएगा, और ये आपका आंसर है, इट इज द आंसर। और इसमें भी जो एस वन है वो इससे निकलेगा, देखिए इसका एस ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस, ये था एस वन। क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स वन लिख देंगे, वाई को वाई वन लिख देंगे, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, ये एस वन होगा। आपको एक्स वन वाई वन पॉइंट दे रखा होगा, और जीएफसी आपको पता ही, सर्कल के अगर सर्कल दे रखा तो निकाल लेंगे आप, इससे ही इस प्रश्न की लंबाई आ जाएगी। तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में प्रूव भी करूंगा कि फॉर्मूला बना कैसे। फिलहाल एक बार सवाल कर लें, देखिएगा ये क्वेश्चन तो आपको हमारे वीडियो मिल जाएगा जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, 2022 का पेपर सॉल्व कर रखा ना, उसमें मिल जाएगा आपको, और ये टीचमेंट जो क्लास है एग्जाम मेटेरियल की उसमें भी मिल जाएगा आपको। सर्कल वाला जो चैप्टर है ना, उसके जो क्वेश्चंस किए मैंने यूनिट 4 के, उसमें मिलेगा आपको, चौथा वीडियो। ये कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा कर लेते हैं। देखिएगा ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस छ एक्स माइनस दो वाई माइनस 16 बराबर जीरो, प्लस छ एक्स माइनस दो वाई माइनस 16 बराबर जीरो, सर्कल है ये। और जो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, जिसे हम कहते हैं एक्स वन वाई वन, वो आपको दे रखा है माइनस थ्री वन अब देखिए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स वन वाई वन टू द गिवन सर्कल, यानी कि बिंदु एक्स वन वाई वन से दिए गए वृत्त पर खींची गई इस प्रश्न की लंबाई। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रूट एस वन,
एस वन क्या जो एस होता है ना बस इसमें एक्स को एक्स वन लिख दो वाई को वाई वन लिख दो तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर नो वाई वन वन का स्क्वायर वन प्लस टू जी अब देखो जी एफ सी आपको पता होना चाहिए जी क्या होता है जी होता है हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि हाफ इंटू छ बराबर तीन एफ क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है माइनस दो हाफ इंटू माइनस दो हो जाएगा माइनस एक और सी कितना है माइनस सोलह ये जी एफ सी इम्पोर्ट शॉर्ट में कर रहा हूँ आपको अच्छे से काम करना है मैंने जो सर्कल दे रखा था उसका जी एफ सी निकाल दिया तीन माइनस एक और माइनस सोलह अब एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी जी का मतलब तीन एक्स वन का मतलब माइनस तीन प्लस टू एफ का मतलब एफ मतलब है माइनस एक वाई वन का मतलब वन प्लस सी सी का मतलब माइनस सोलह बस ये नौ है भाई तो नौ और एक दस प्लस माइनस माइनस तीन दिया नौ दूनी अठारह प्लस इंटू माइनस माइनस दो एकम दो और माइनस के सोलह अंडरूट एस वन माइनस में तो आंसर नहीं आ सकता कहीं कोई मिस्टेक हुई हमसे रूट एस वन एस वन जो आएगा इसका एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू है वाई वन प्लस सी जी इसका है हमारा तीन सवाल तो सही है ना चेक कर लेते हैं जरा आंसर निकाल रखा मैंने इसका रूट सेवनटीन देखो जरा हाँ सवाल लिखने में गलती कर दी मैंने ओहो सवाल लिखने में गलती कर दी प्लस छ एक्स मैंने क्या किया ये क्वेश्चन तो लिख दिया 2022 वाला क्वेश्चन लिख दिया 2022 देख रहे हैं आप ये और पॉइंट ले लिया ये वाला छत्ती माइनस तीन एक तो सवाल कैसे मिलने का सवाल ही पता नहीं होता क्योंकि हो सकता है ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर हो वो बाहर नहीं अंदर ही हो तो हमने पूरा ये क्वेश्चन ही जल्दी में गलत कर दिया अब देख रहे हैं ना क्वेश्चन तो मैंने ही ले लिया और पॉइंट मैंने ही ले लिया कोई नहीं वापस कर लेते हैं क्वेश्चन दूसरे का दूसरा अरे भाई सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो और जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं एक्स वन वाई वन जो सर्कल के बाहर है वो आपको दे रखा है माइनस थ्री वन यस हमें चाहिए लेंथ ऑफ टेंजेंट पहले तो जी निकालो इसका हाफ इंटू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू एफ निकालो हाफ इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन और सी निकालो इसका माइनस तीन
हो गया जी एफ सी। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस वन, अंडर रूट एस वन का मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन माइनस तीन तो माइनस तीन का स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू जी, जी है माइनस दो इंटू एक्स वन है माइनस तीन प्लस टू इंटू एफ, एफ है माइनस वन और वाई है वन, टू एफ वाई वन, टू एफ है माइनस वन और वाई है वन, टू एफ वाई वन होता है ना, टू एफ वाई वन तो टू इंटू एफ तो है माइनस वन और वाई वन है वन, वाई नहीं सॉरी वाई वन प्लस सी और सी है माइनस तीन अंडर रूट माइनस तीन का स्क्वायर प्लस नो वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस तीन दुनी छह दुनी बारह प्लस इंटू माइनस माइनस दो एकम दो प्लस इंटू माइनस माइनस तीन अंडर रूट नौ एक दस, दस और ये दस ही है देखो बारह में दो के दस तो दस और दस बीस, बीस में तीन के तो सत्रह तो आएगा अंडर रूट सेवनटीन यूनिट्स आंसर आ गया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट सेवनटीन। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, इसमें सर्कल दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर चार और पॉइंट जो दे रखा बार, पॉइंट है जो हम कहते हैं ना एक्स वन वाई वन वो है ये देखिए टू थ्री। पहले तो आप क्या करो इसको इधर लाओ चार को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो, याद है इसको एस बराबर जीरो कहते हैं। अब एस वन कितना हो जाएगा, एस वन, एस वन का मतलब एक्स की जगह एक्स वन वाई की जगह वाई वन, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस चार, एक्स वन है दो दो का स्क्वायर, वाई वन है तीन तीन का स्क्वायर माइनस चार, दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ माइनस चार, चार चार कट के नौ आ गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है अंडर रूट एस वन यानी अंडर रूट नौ यानी कि थ्री यूनिट, थ्री यूनिट तीन का ही आंसर। ये देखिए मैंने इसका आंसर निकाला हुआ है थ्री यूनिट। आपको किसी भी तरह के सर्कल चाहे वो अपने जनरल फॉर्म में हो चाहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, किसी भी सर्कल के लिए उसके बाहर जो पॉइंट होता है ना उससे टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हो निकालना सिखा दिया। और किसी भी सर्कल चाहे सिंपलेस्ट चाहे वो जनरल उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन वो भी आपको मैंने दोनों सवाल करा दिया। अब एक सवाल और बचाया लास्ट इस क्वेश्चन के अंदर वो कर लेते हैं आराम से इस एक पेज में हो जाएगा। ये देखिएगा उस वृत्त की समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र अल्फा बीटा है, सर्कल का जो सेंटर है ना वो अल्फा बीटा है। तथा जो मूल बिंदु से गुजरता है पासेज थ्रू जीरो जीरो, अरे भाई ये सर्कल है ये इसका सेंटर है
मान लो ये मूल बिंदु है जीरो जीरो, जिससे कि सर्कल गुजर रहा है, तो ये बताओ रेडियस भी नहीं हुई इसकी, रेडियस इसको हम ए कहते हैं। ये सर्कल का सेंटर अल्फा बेटा, और ये सर्कल ये है जो ये, इसको हमने मान लिया ओरिजिन। हमें किसी भी सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए तो सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, तो सेंटर तो है हमारे पास, रेडियस से निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो रेडियस जिसे हम ए कहते हैं अंडर रूट, अगर मैं कहूँ ये एक्स वन वाई वन वो एक्स टू वाई टू, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दैट इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रेडियस आ गई, सेंटर क्या है अल्फा बीटा, ये तो है रेडियस, और सेंटर जो है वो है अल्फा बीटा। याद करो उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर एच के और रेडियस ए होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच, एच तो अल्फा है, प्लस वाई माइनस के, के बीटा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों माइनस के उधर ले जाओ, बराबर टू अल्फा एक्स प्लस टू बीटा वाई। इसका मतलब एक्स, ये आंसर क्या देगा इसका, ये रहा आंसर इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू, इधर रखना इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर ले लो वापस, माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा वाई बराबर जीरो। ये आगे सब इक्वेशन टेंजेंट की, ये देखिएगा उस वृत्त की समीकरण, सॉरी ये कोई टेंजेंट का सवाल नहीं भाई, हो ये सर्कल की इक्वेशन है, उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज अल्फा बीटा एंड विच पासेस थ्रू ओरिजिन, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट जीरो जीरो ऑन इट। अब देखो आपको सर्कल पता है, मुझे जीरो जीरो पर टेंजेंट निकालनी, ये सर्कल का देखो, ये सर्कल है ना, और ये मैंने कहा जीरो जीरो पॉइंट, इस पे टेंजेंट मुझको चाहिए, ये पॉइंट है, और ये टेंजेंट जो है इसकी इक्वेशन चाहिए, और ये पॉइंट है जीरो जीरो, यानी ये एक्स वन वाई वन बराबर जीरो जीरो हो गया। देखिए क्या लिखा है, Also find the equation of tangent at this point. अब इसका जो सेंटर है वो अल्फा बीटा है, हम इक्वेशन बना चुके हैं सर्कल की, बताइए इसका जी कितना है, जी जी क्या होता है, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस टू अल्फा है, दो दो कट जाएगा माइनस अल्फा हो गया, व्हाट इज एफ, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो कि माइनस टू बीटा है, दो दो कट गया माइनस बीटा, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट जो इसमें कुछ है ही नहीं, यानी जीरो। अब हमको पता है कि
जनरल फॉर्म में जब होती है इक्वेशन सर्कल की, तो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी बराबर जीरो, ये होती है फॉर्मूला है। तो एक्स एक्स वन, एक्स वन कितना है जीरो, प्लस वाई वाई वन कितना है जीरो, प्लस जी जी कितना है माइनस अल्फा, एक्स प्लस एक्स वन तो एक्स प्लस जीरो, एफ कितना है माइनस बीटा, वाई प्लस वाई वन तो वाई प्लस जीरो, और सी तो जीरो ही है तो जीरो बराबर जीरो, ये जीरो प्लस जीरो माइनस अल्फा इंटू एक्स बार प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस माइनस बीटा वाई जीरो है तो बराबर जीरो। अब ये दोनों माइनस है ना, अब साइन चेंज कर दो तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर जीरो, ये आंसर आ गया। ये देखो मैंने ये आंसर लिखा हुआ है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर जीरो। तो मैंने इस वीडियो में जो सोच रखा था, सर्कल के ऊपर स्थित कोई पॉइंट है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है उससे सर्कल पर टेंजेंट की लंबाई, वो सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। मेरे मन में थी कि मैं फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखा है आज, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है इसके ऊपर, ये जो फॉर्मूला ये वाला, और उसके अलावा ये वाला ये मैं प्रूव करूं, ये मैंने सोचा था इस बारे में, पर प्रूव हो नहीं पाया, समय निकल गया। वैसे प्रूव करना इसके पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं कि नो फॉर्मूला डेरिवेशन लिखा है साहब, सब नो एनी डेरिवेशन, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस केवल। लेकिन इसको किया जा सकता है, अगर आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अगर एक मैसेज कर दिया सर आप इसका वीडियो बना दीजिएगा, ये फॉर्मूले कैसे बने आप प्लीज इनको प्रूव कीजिए, तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले भी और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले भी। अभी हमने सवाल सारे कर दिए, इसके बाद कोई सवाल एग्जाम में आता नहीं है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।